ये डिटेल्ड सिलेबस था 2023 का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए शॉर्ट में आपको मैं इंडेक्स में मार्क करवा रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको कट करने हैं। आप मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक पर, तो आपको बार बार सिलेबस को ओपन नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट कमर्शियल मैथमेटिक्स में थर्ड वाला चैप्टर, इसको आप कट लगा दीजिए। एलजेब्रा में आप रेशियो प्रोपोर्शन में इसकी एप्लीकेशन को कट कर दीजिए। साथ ही रेशियो की एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमें नहीं करनी है। जीपी हमें नहीं करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की एप्लीकेशंस मींस वर्ड प्रॉब्लम्स हमें नहीं करनी है। हेलो स्टूडेंट्स, काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम पैटर्न को लेकर के एक लेटर रिलीज किया है, साथ ही पब्लिश किया है रिवाइज्ड सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न एंड रिवाइज्ड सिलेबस। तो चलिए पहले देखते हैं लेटर जो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड काउंसिल ने रिलीज किया है। ये है वो लेटर। आप काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर के इसको देख सकते हैं। मैं इसके इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट दैट टू बी नोटेड इज इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द CISE टू कंडक्ट ओनली वन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर 2023। मींस लास्ट ईयर की तरह 2022 में जैसे टू सेमेस्टर्स में एग्जाम हुए थे, वो पैटर्न इस बार एप्लीकेबल नहीं है। इस बार फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 वन सिंगल एग्जाम विल बी हेल्ड एंड इट विल बी हेल्ड इन मंथ ऑफ फेब और मार्च। देखिए इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। सेकेंड, द रिवाइज्ड सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द CISE वेबसाइट अंडर पब्लिकेशन सेक्शन। आप वहां से किसी भी सब्जेक्ट का रिवाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मे फर्दर बी नोटेड दैट द स्पेसिमेन पेपर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ काउंसिल इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए स्पेसिमेन पेपर्स जो हैं वो जुलाई के मंथ में आपको वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जो कि बहुत यूजफुल होंगे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अब देखते हैं रिवाइज सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। इसमें देखिए मेंशन है देयर विल बी वन रिटन पेपर ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन। 2.5 आवर्स ड्यूरेशन का आपका वन एग्जाम होगा मैथमेटिक्स का। क्या आपका एग्जाम पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर मिलेंगे। तो अब ये सिलेबस आप पब्लिकेशन सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बुक्स की बात करें तो आप चाहे सेलिना फॉलो कर रहे हो, चाहे ML अग्रवाल फॉलो कर रहे हो, S चांद देख रहे हो या कोई और बुक देख रहे हो, तो सभी बुक्स में आपको ओल्ड सिलेबस ही मिलेगा। आपको जो इंडेक्स मिलेगा वो भी ओल्ड सिलेबस पर बेस्ड है। तो उसमें से कैसे डिसाइड करें कि भाई बार बार हमें सिलेबस को ओपन ना करना पड़े, इसलिए मैं उसमें आप मार्क करवा रही हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 और कौन से आपको छोड़ने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट यूनिट कमर्शियल मैथमेटिक्स की बात करें तो ओल्ड सिलेबस में 3 चैप्टर्स इंक्लूड थे, GST, बैंकिंग एंड शेयर्स एंड डिविडेंड। लेकिन फॉर अवर बोर्ड एग्जामिनेशन देर आर ओनली 2 टॉपिक्स, GST एंड बैंकिंग। शेयर्स एंड डिविडेंड वाले चैप्टर को इस बार सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। सेकेंड यूनिट एलजेब्रा को देखें, जो सबसे बड़ी यूनिट है आपके सिलेबस की, उसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लीनियर इन इक्वेशन इंक्लूड है और कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया है। सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी इंक्लूड है, देयर इज नो चेंज इन दिस टॉपिक। आपको नेचर ऑफ रूट्स प्रिपेयर करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व करना है और उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, ये भी सिलेबस में इंक्लूड है। इसमें स्लाइट चेंज है, ये वाला टॉपिक कट है, सिंपल एप्लीकेशन ऑन प्रोपोर्शन ऑनली। इसमें अगर आप बुक्स को देखेंगे तो आपको रेशियो भी उसमें इंक्लूड मिलेगा, बट रेशियो जो है वो बहुत पहले ही सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर हम सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की बात करें तो 7A वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, डुप्लीकेट रेशियो वाली जो एक्सरसाइज है। केवल प्रोपोर्शन हमें प्रिपेयर करना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सक्लूड है, एप्लीकेशन मींस वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी टॉपिक की नहीं पूछी जाएंगी।
नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इंक्लूड है अपने पूरे सिलेबस के साथ, रिमाइंडर एंड फैक्टर दो थ्योरम्स इसमें है। मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। नेक्स्ट है इस एलजेब्रा यूनिट का अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस बार सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंक्लूड है लेकिन इसमें इसके भी एप्लीकेशंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एप्लीकेशंस मींस वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज इट इज आपके सिलेबस में है, इसकी एप्लीकेशंस को एक्सक्लूड किया गया है जस्ट। नेक्स्ट यूनिट ज्योमेट्री की बात करते हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक है सिमिलैरिटी, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है लेकिन इसके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। फर्स्ट टॉपिक है इसमें एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंक्लूड नहीं है। ओल्ड सिलेबस पर बेस्ड जब बोर्ड एग्जाम होता था तो इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता था लेकिन अब इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेकेंड और थर्ड टॉपिक आपको करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इंक्लूड है लेकिन एरिया थ्योरम एक्सक्लूड की गई है। साथ ही डायरेक्ट एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स भी इस बार सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो जब भी आप सिमिलैरिटी का टॉपिक करें तो आप इसके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। अगर सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं तो 15th A और 15th B आपको प्रिपेयर करनी है, सी और डी नहीं करनी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज ई को तो हमें अकॉर्डिंगली सॉल्व करना ही है। नेक्स्ट टॉपिक लॉकी लोकस थ्योरम, ये सिलेबस में नहीं है फॉर बोर्ड एग्जाम 23। सर्कल्स का टॉपिक इंक्लूड है अपने पूरे सिलेबस के साथ, एंगल प्रॉपर्टीज भी, साइक्लिक प्रॉपर्टीज भी और टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टीज भी हमें प्रिपेयर करनी है। प्रूफ्स सर्कल थ्योरम्स के इंक्लूड नहीं है सिलेबस में लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन 2023 के रिड्यूस्ड सिलेबस में मेंशन की गई है इस टॉपिक में, आइए एक बार नजर डालते हैं। ये देखिए ये मेंशन है, इसको आपको जरा ध्यान से पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑल सर्कल थ्योरम्स इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल एंड थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स आर इंक्लूड। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें मेंशन था एप्लीकेशंस ऑफ ऑल सर्कल थ्योरम्स इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर इंक्लूड, उसमें थियोरेटिकल वर्ड नहीं था। इसलिए बोर्ड एग्जाम 2022 में जब बच्चों ने एक सर्कल टॉपिक को प्रिपेयर किया था तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को उन्होंने नहीं किया था, लेकिन आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स दोनों इंक्लूड की गई हैं। इट मींस आपको सर्कल के प्रूफ वाले क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, ये आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट ईयर इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था लेकिन इस बार इसको फिर से इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट यूनिट मेंसुरेशन आपके सिलेबस में है, विद फुल सिलेबस सिलेंडर कोन एंड स्फेयर तीनों शेप्स हमें प्रिपेयर करनी है। लास्ट ईयर स्फेयर एक्सक्लूड था लेकिन इस बार फिर से इसको इंक्लूड कर दिया गया है। यूनिट ट्रिगोनोमेट्री भी एज इट इज सिलेबस में है। अगर स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 सिलेबस में है और ये मोस्ट स्कोरिंग यूनिट होती है लेकिन इसके सिलेबस में स्लाइट चेंजेस किए गए हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो मीन मीडियन मोड तीनों टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, लेकिन हम 23 के सिलेबस को देखें तो उसमें देखिए लिखा है कि कंप्यूटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन क्लास मॉडल क्लास फॉर ग्रुप डाटा ओनली कंटिन्यूस डाटा, केवल कंटिन्यूस डाटा के लिए आपको मीन मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की कैलकुलेशन करनी है। मीडियन और मोड आपको इस सेक्शन में नहीं करना है, आपको वो ग्राफ से फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की यूनिट प्रिपेयर करेंगे तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है उसकी हेल्प से मोड फाइंड आउट करना है, लेस देन ओजाइव ड्रॉ करना है और उसकी हेल्प से मीडियन अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल आपको फाइंड आउट करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आपको कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है। तो ये डिटेल्ड सिलेबस था 2023 का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए शॉर्ट में आपको मैं इंडेक्स में मार्क करवा रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको कट करने हैं। आप मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक पर तो आपको बार बार सिलेबस को ओपन नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट कमर्शियल मैथमेटिक्स में थर्ड वाला चैप्टर, इसको आप कट लगा दीजिए। एलजेब्रा में आप रेशियो प्रोपोर्शन में इसकी एप्लीकेशन को कट कर दीजिए, साथ ही रेशियो की एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमें नहीं करनी है। जीपी हमें नहीं करनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की एप्लीकेशंस मींस वर्ड प्रॉब्लम्स हमें नहीं करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है, सिमिलैरिटी में ये भी नहीं है, मैप्स एंड मॉडल्स एरिया थ्योरम नहीं है,
तो इसको हम सिमिलैरिटी को जब भी प्रिपेयर करेंगे तो स्पेशली हम पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद प्रिपेयर करेंगे। इस पे आप कोई मार्क लगा दीजिए। लोकस थ्योरम डिलीटेड है, मेंसुरेशन में एज इट इज़ पूरा सिलेबस है, ट्रिग्नोमेट्री में सिलेबस है, स्टैटिस्टिक्स में जब हम ये सेकंड वाला चैप्टर करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसमें भी एक बार आपको सिलेबस देखना है, बाकी एज इट इज़ आपके सिलेबस में है। इन द मंथ ऑफ जुलाई काउंसिल अपने स्पेसिमेन पेपर्स रिलीज करेगी, तो जिस जैसा भी वो क्वेश्चन का पैटर्न आपके साथ शेयर करेगी उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। अगर आप लास्ट ईयर को देखें तो टोटली न्यू पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम हुए थे, फर्स्ट और सेकेंड दो सेमेस्टर्स में कंडक्ट करवाए गए थे, और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर टोटली MCQ बेस्ड था, और ये MCQs कहीं कहीं पर भी पहले से अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अगर हमारे चैनल को आप देखेंगे तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के सभी टॉपिक से रिलेटेड ऑल पॉसिबल MCQs शेयर किए थे, स्पेसिमेन पेपर्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर शेयर किए थे, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। और साथ ही हमने दोनों सेमेस्टर्स के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो शेयर की थी, और वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अप टू द मार्क रहा। दोनों सेमेस्टर्स के जो पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो जो हमने शेयर किया था एग्जैक्टली वही था। इस पूरे सिलेबस के लिए भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो हमने अपने चैनल पर शेयर की है। ये जो टॉपिक्स कट हुए हैं इस पर बेस्ड न्यू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैं आप जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। बोर्ड एग्जाम 2023 की लेटेस्ट न्यूज एंड अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल फॉर मैथमेटिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ योर लाइफ।